बस बस, अब सीता स्वयंवर हो गया ना, अब हम रावण के वध का अभ्यास करेंगे। लेकिन क्यों मनु, अभी अभी तो सीता विवाह खत्म हुआ है और रावण वध इतने जल्दी? क्योंकि अब रावण के वध का समय आ गया है। कौन से रावण का मनु? आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। ये तो क्रांति गुरु कहता है। क्रांति गुरु की पंक्तियाँ? जिस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी प्रकार फिरंगियों ने हमारी धरती माँ का अपहरण किया है। इसलिए हम सबको राम बनना होगा, ताकि हम अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों से आजाद कर पाए। अरे ये तो वही चूड़ियां हैं जिसके टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले थे। इसका मतलब क्रांति गुरु कहीं मनु भाई? आप केवल इस बिसात पर अकेले अपनी चालें खेलती रही है, और उधर मंजली दादी ने अपनी चाल भी चल दी है। ठहर बेटा ठहर, तेरी दादी की चाल आखिरी चाल होती है। लेकिन मंजली दादी तो अपनी, क्या समाचार लाई है? कुछ पता चला कि जानकी बाई गंगाधर राव के विवाह के लिए इतनी आतुर क्यों है? महारानी साहिबा, उन्होंने झांसी की रानी ढूंढ ली है। कौन है वो? वो कोई साधारण कन्या नहीं है, विष कन्या है, विष कन्या। इतने विश्वास है कैसे कह सकते हो कि मनुबाई ही क्रांति गुरु है? साहब ये देखिए, ये चूड़ियों के टुकड़े हमें इश्तिहार के पास पड़े मिले। लेकिन ये चूड़ियों के टुकड़े मनु के ही है, इसका क्या प्रूफ है? सरकार इसका कोई साक्ष्य तो नहीं, पर मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, मनु ने ऐसी ही चूड़ियां पहन रखी हैं। बिना प्रूफ के ये बात बाजीराव को बोलेंगे, हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट टाइम वो फ्लैग वाली बात पर भी ऐसा हुआ था। आई हैव टू कम अप विद अ प्लान। इस बार मैं ऐसा जाल बचाऊंगा कि मानो भाई अगर क्रांति गुरु है तो बचकर भाग नहीं पाएगी। मैं भी रावण की सेना को रहूंगी और मैं सीता भी तीर चलाने। नहीं नहीं, हम कैसे तीर चलाएंगे? नहीं नहीं वैशाली दीदी, आपको तो सीखना होगा। आज के रावण को मारने के लिए सीता अवश्य तीर चलाना सीखेगी। परंतु हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं वैशाली दीदी, हम है ना नाना भाऊ भी सिखाएंगे। क्यों नाना भाऊ? नाना भाऊ आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आइए ना हमारी सीता को सिखाइए। नहीं नहीं, हाँ क्यों नहीं। नाना भाऊ क्या आप ऐसे खड़े रहोगे, तीर नहीं चलाओगे? शाली को हमसे छीन के खुश नहीं रह पाओगे। प्रतीक्षा करो नाना साहब, देखो सही वक्त आने पर हम क्या करते हैं। मनु दीदी मैं यहाँ रुकू। नहीं नहीं कुसुम तुम भी जाओ। कुछ नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ कर क्या रही थी? हम लोग वहाँ मनु दीदी के साथ रामलीला का अभ्यास कर रहे थे। कपरी बहादुर ने क्रांति गुरु को पकड़ लिया है, सुनो सुनो सुनो। क्रांति गुरु पकड़ा गया? किसको पकड़ लिया?